क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार जी, बधाई हो, आप बिहार में साथ में पोजीशन पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। अपना इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? माता पिता और अपने शिक्षक को सर। कौन से शिक्षक को? शिक्षक योगेंद्र प्रसाद, श्री प्रसाद सिंह और स्कूल के तमाम शिक्षक जो हमें अच्छे से गाइड करते थे। जी, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, अपने आने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि सर वो लगातार हमेशा मेहनत करें जी, और कभी हमेशा मोटिवेट होके करें। रिजल्ट सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ सर। परीक्षा तो अच्छी गई थी? हाँ। लेकिन आप बिहार में सातवां स्थान लाएंगे ऐसा उम्मीद था आपको? नहीं, ये उम्मीद नहीं था। चलिए, धन्यवाद। ग्रामीण परिवेश में आपको क्या क्या कठिनाई हुई यहाँ तक पहुँचने में? कठिनाई ये हुई कि सर सब्जेक्ट अच्छा से नहीं हो पाता था क्लियर, तो मैं कुछ नेट का भी सहारा ले लेता था। इंटरनेट के माध्यम से भी आप? हाँ। यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ा करते? हाँ। आपके पुत्र विकास कुमार जी बिहार में सातवां पोजीशन मैट्रिक में लाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो सर ये जब से सुने हैं तब से और हिंदुस्तान मीडिया के थी से पहले हमको पता चला और उसमें हमको काफी खुशी हुई जो जो है सो अपना बिहार में सातवां स्थान। क्या करते हैं आप? हम तो LIC एजेंट है सर। माता आपकी मैसेज क्या करती है? और एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रह करके पठन पाठन करके आपके पुत्र इस सफलता को पाए हैं, उनके पठन पाठन में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस हम जो शिक्षक जो है वो अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे थे और हम यदि दूर में मिल रहे थे वहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते थे, ये सब काफ़ी हमको कठिनाई हुआ। यदि और शिक्षक बेहतर रहते तो और वो जो है सो अच्छा करते, इतना हम लोगों को विश्वास था। जो उनका लगन है, जो मेहनत है, हम लोग तो लोग जो है सो अपने से प्रयास करके ऑनलाइन ऑन स्टडी और ऑनलाइन जगह से थोड़ा सा अपना सॉल्व किया। कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट वगैरह सबकी सहायता से छात्र अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, ऐसा एक संदेश जा रहा है छात्रों को भी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों को विकास के पिताजी के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि और इस ग्रामीण क्षेत्र के यदि लड़का चाहें तो ऑनलाइन और अच्छे बेहतर शिक्षक से वो बेहतर कर सकते हैं। विकास जी की माँ आप हैं? जी। आपके पुत्र बिहार में सातवें रैंक लाए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? गांव ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में जहां दिक्कत हो रही थी वहां आपके पुत्र ने इस सफलता को प्राप्त किया है। जी, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत दिक्कत होता था, फिर भी हम ऑनलाइन मोबाइल पर जो है ड्रोन स्टडी सबसे जो है शेयर करके पढ़ाई करते थे। एक माँ हो करके आप उनका उनकी पढ़ाई में कितना साथ दे रही थी? आप बहुत नज़दीक होंगी, खुद भी शिक्षिका हैं। विकास का रिजल्ट बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भी छात्र अगर बढ़िया से पढ़ाई करें तो उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण बच्चों को क्या संदेश दे रही हैं? ग्रामीण बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, कैसे पढ़े जो विकास की जैसी सफलता प्राप्त करें? जी, जैसे मेरा बेटा आज के ऑनलाइन की दुनिया में जो है सो मोबाइल से अपना जो है सो शेयर कर रहे हैं, उसी तरह सारे बच्चे करें तैयारी, अपना उसी स्थान पाए, उससे ऊंचा भी स्थान पाए। बेटा क्या बनना चाहता है? बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। चलिए, बधाई आपको। आप विकास कुमार जी की छोटी बहन हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? आठवीं कक्षा में। किस स्कूल में? अच्छा, आपके भैया मैट्रिक में बिहार में सातवां पोजीशन लाए हैं, कैसा लग रहा है सुन के? बहुत खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है। आप क्या करना चाहेंगे, आप कैसा रैंक लाइएगा? अभी मालूम नहीं है। पूरी तरह से पढ़ाई करेंगे आप? भैया बताए हैं इंजीनियर बनना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। अरे वाह, वेरी गुड, बधाई आपको।